विनय जी ने मुझे निमंत्रण देकर पांचवे अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के उद्घाटन में आमंत्रित कर दिया और मेरा हा कहने का एकमात्र कारण बहुत साल से रामायण का मंचन देखा नहीं था, एक बार मैं भी मन से रामायण का मंचन देख लूं यही। और मैं मानता हूं कि ICCR की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई होगी, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और संस्कृति के अंदर रचे बसे मूल्यों का प्रचार प्रसार, इसके तत्वों का प्रचार प्रसार और इसके द्वारा दुनिया की कई समस्याओं का समाधान, ये जो कल्पना की गई होगी वो कल्पना के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय रामायण के कार्यक्रम से उचित कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। और ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण का जो मंचन लगातार पांचवें साल हो रहा है, उसमें अब तक 17 देशों ने अपने अपने कलाकारों के साथ हिस्सा लिया है। देश की सीमाएं, धर्म की सीमाएं सभी को लांघते हुए रामायण को सभी ने मंच पर मंचित करने का प्रयास किया है। और इसका मूल कारण यह है कि महाकाव्य के अंदर बहुत शक्ति पड़ी है, बहुत चीजें पड़ी हैं। रामायण के पर घंटों बोला जा सकता है, मैं ना बोलना चाहता हूं ना मुझे यहां बोलना चाहिए, परंतु मैं इतना ही कह सकता हूं कि हजारों सालों के अविरत भारत के सांस्कृतिक धारा प्रवाह की अभिव्यक्ति कोई एक महाकाव्य के अंदर पूर्णतया हुई है तो वो रामायण के अंदर हुई। कहने को तो एक महानायक के जीवन की जीवनी को काव्य स्वरूप से हमारे सामने रखा, उनके जीवन के पहले से लेकर जीवन के अंत तक की पूरी घटनाओं को काव्य स्वरूप देकर कवि ने हमारे सामने रखा है। परंतु ये पूरे महाकाव्य के अंदर मानवीय जीवन के सारी ऊंचाइयों को बोले बगैर रेखांकित करने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया है। और मानवीय जीवन में पतन के लिए आने वाले सारे भय स्थानों को भी बोले बगैर इंगित करने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया है। एक ही महाकाव्य के अंदर राजा ने क्या करना चाहिए इसकी एक आदर्श कल्पना रखी। ये राजा अगर अपने दिए हुए आदर्श कल्पना के उचित व्यवहार नहीं करते हैं तो राज्य को और उनको क्या सहन करना पड़ता है वो भी दिखा दिया है। और धैर्य के साथ अपनी पिता की बात को मानने के लिए कितना बलिदान दिया जा सकता है, कितना त्याग दिया जा किया जा सकता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इसलिए प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का है। कभी जीवन में किसी भी प्रकार की मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, ना परिवार की मर्यादाओं को तोड़ा, ना संस्कृति की मर्यादाओं को तोड़ा, ना धर्म की मर्यादाओं को तोड़ा, ना युद्ध की मर्यादाओं को तोड़ा। पूरा जीवन मर्यादाओं के अंदर रहकर कैसे जिया जा सकता है इसका उत्कृष्ट उदाहरण प्रभु श्री राम का जीवन है। और उसी जीवन को काव्य स्वरूप देने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया। और शायद ही दुनिया की कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें
रामायण का भावानुवाद नहीं हुआ होगा। रामायण सिर्फ संस्कृति का उद्घोषणा करने वाला काव्य नहीं है, आदर्श जीवन को समझाने वाला काव्य नहीं है। इसके अंदर कई ऐसे संवाद हैं जो नीति शास्त्र का भी परिचय देते हैं, सुशासन का भी परिचय देते हैं, युद्ध शास्त्र का भी परिचय देते हैं, ज्ञान और विज्ञान का भी परिचय देते हैं। दशरथ और आर्य सुमंत का संवाद पढ़ेंगे तो राजा और राज्य की दोनों की मर्यादा अपने आप समझ में आ जाएगी। रावण और लक्ष्मण का संवाद पढ़ेंगे तो सुशासन के सारे गुण इसके अंदर हम अपने आप समझ लेंगे। समुद्र को चेतावनी देते हुए राम को समझेंगे तो युद्ध कितनी भयानक बात है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। और अगर स्त्री की मर्यादा का रक्षण कैसे किया जाता है, युद्ध की भयावह स्थिति और युद्ध के बाद की भयावह स्थिति को समझने वाले व्यक्ति भी कहते हैं कि जब स्त्री की मर्यादा का लोप होता है तो राज्य का लोप होता है, संस्कृति का लोप होता है, इसलिए स्त्री की मर्यादा के लिए भी युद्ध करना अनिवार्य हो तब करना चाहिए। अनेक प्रकार की चीजें एक ही महाकाव्य के अंदर संजोकर ये महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया के सामने रखा है। गांधी जी ने एक बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र के गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी और उनको काका साहब कालेलकर ने कहा कि प्रस्तावना एक ही वाक्य में लिखनी है। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र की और नीति शास्त्र की प्रस्तावना एक वाक्य के अंदर लिखना बहुत दिक्कत वाली बात होती है, मगर महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य में लिखा था, ये ग्रंथ नहीं ग्रंथागार है। और मैं भी ये कहना चाहता हूं कि रामायण को एक बार पढ़ लीजिए, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, देश का जीवन और संसार की सारी समस्याओं का समाधान हमें केवल और केवल रामायण में मिल सकता है। ये रामायण भारतीय संस्कृति का राजदूत बनकर अनेक देशों के अंदर दरिया लांग कर पहुंचा है, सीमाएं लांग कर पहुंचा है, भाषाओं की मर्यादाएं लांग कर पहुंचा है, धर्म की मर्यादाओं को भी परास्त करते हुए पहुंचा है। आज रामायण का मंचन यहां होने वाला है, विदेशी कलाकार करेंगे। मैं आज ICCR को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये प्रयास भारतीय संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का जो वो कर रहे हैं वो बहुत स्तुत्य भी है और करणीय भी है। आज विदेश के कलाकार जब यहाँ रामायण का मंचन करेंगे हम सब देखेंगे, मैं भी आपके साथ बैठकर देखूंगा, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में रामायण के अंदर से उठाई हुई कोई एकाध चीज को भी अगर हम जीवन के अंदर स्वीकार कर ले तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हम सब लोग कर पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं फिर से एक बार ICCR का धन्यवाद कर मेरी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।